इसके पास है, आप देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ किस तरीके से ये बस जो बाहर से आ रही थी, बस में किस तरीके से लोग भूख प्यास से बिलबिला रहे थे। ऐसे लोगों की लगातार समाज सेवियों द्वारा सेवा की जा रही है, ऐसे लोगों को रोक करके पानी दिया जा रहा है। हम आइए जानते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों को रोक करके इन समाज सेवियों द्वारा लोगों को क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही है। लंच पैकेट दिया जा रहा है, बिस्कुट दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। कितने दिनों से आप लोग ये कर रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन लगा है, जब से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। आपने देखा कि साफ तौर पे इनका कहना है कि लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक ये लोग NH से लेकर के गांव-गांव तक लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ जरूर कहा जा सकता है, देश में जो आपदा आई है, ऐसे में समाज सेवी तमाम लोगों के लिए मसीहा बनकर खड़े हुए हैं। रजनीश त्रिपाठी के न्यूज बस्ती में लगातार